उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ को लेकर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यालय पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौरी, भाजपा जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी लीला डोडियाल ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। वहीं स्थानीय विधायक ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाई है, बहुउद्देशीय या विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगाई गई हैं। कुछ पात्र लाभार्थियों को भी सम्मानित पात्र लाभार्थियों को जो योजनाओं के लाभ हैं वो दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कल्चरल प्रोग्राम जो हैं वो डीओ पीआरडी के लेवल से या संस्कृति विभाग के स्तर से करवाए जा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि आज माननीय विधायक पौड़ी हैं और अन्य। देखिए, विशेषकर पौड़ी के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहीं से उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि इन 23 सालों में राज्य के अंदर बहुत परिवर्तन हुए हैं। राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा जो हमारे बच्चे लोग हैं, स्पोर्ट्स में हो या सर्विस में हो, उनको एक भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी जो है उनके लिए जो है भर्ती के द्वार खुले थे। धामी सरकार का मैं विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज बड़ी राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो 2000 में हमें उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना उन्होंने आज 9 नवंबर को की थी, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है और उल्लास का विषय है। और हम मतलब हर उत्तराखंड हर जिले में राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस मनाता है, और आज उसी उपलक्ष्य में हमने 20-22 आंदोलनकारियों को